अरे कहा नाम ले लिए, किसका नाम ले लिए, जिसका पैदाइश है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार को कोई देश में दुनिया में चैलेंज करने वाला नहीं है। जो हाल सुशील मोदी जी का हुआ है ना, उससे भी बुरा हाल होगा सम्राट चौधरी जी का। दो साल में भाजपा समाप्त। नीतीश कुमार के पैर के बराबर भी सम्राट चौधरी नहीं है, पैर के बराबर नहीं है। नीतीश कुमार देश का दूसरा गांधी। नीतीश कुमार जी 2024 के लाल किला पे झंडा फहराएंगे। बेचैन आत्मा तड़पते रहता है, अब पितृपक्ष में जो गए हैं पिंडदाने हैं राजनीति का, धीरे धीरे खत्म करेंगे जेडीयू। अरे मोदी शाह का तो औकाते नहीं, तो राजनीति के बगल बच्चा लोग हैं मोदी शाह के। कि भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समाप्त करने के लिए और उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए सम्राट चौधरी जी, 2024 चुनाव से पहले सियासत गर्म है और बिहार में बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। देखिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सम्राट चौधरी ने कह दिया 2 साल के अंदर जेडीयू खत्म। अब सतमा 10th के बाद सतमा पास करने वाला पर क्या बयान देना है, बोगस। अरे दावा बोगस, 2 साल। अरे भाई जिसका डिग्री है सतमा पास आदमी है, कहा दसवां में सुने है कि दसवां के बाद सतमा कोई पास करता है, सतमा दसवां के बाद सतमा पास करने वाला कोई आदमी मिला है आपको? तभी ना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी। अरे बिहार प्रदेश तो टोपी पहना दिया भाजपा को, टोपी पहन लेगी भाजपा, टोपी पहन लेगी भाजपा। आपके एक एमएलसी चले गए ऐसी, इतना भारी भीड़ था ना जो गांधी सभागार में, बाप रे पूरा भीड़ लगा, एकदम कचमा बद्ध था। कितना 100 आदमी था कि 150 था? भीड़ छोड़िए, गए तो आप ही पार्टी के थे ना। अरे जाने के लिए कितना लोग जाएगा तो उससे कोई अंतर पड़ता हमारी पार्टी को? बेचैन आत्मा तड़पते रहता है, अब पितृपक्ष में जो गए हैं पिंडदाने हैं राजनीति का। बोल रहे धीरे धीरे खत्म करेंगे 2 साल के अंदर, धीरे धीरे खत्म करेंगे जेडीयू। अरे मोदी शाह का तो औकाते नहीं, तो राजनीति के बगल बच्चा लोग हैं मोदी शाह के। अमित शाह तो फिर आ रहे हैं, आप औकात की बात कर रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं। आवेंगे ना, आवे ना, यहाँ साष्टांग दंडवत होना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा, यहीं रहे एकदम व्यवस्था हम लोग कर देंगे सब कुछ का, रहिए यहीं पर, हिम्मत है तो रहो यहीं चुनाव में, आप फर्जी घोषणा मत करिएगा। अगला बार आइएगा तो हम गीता पर हाथ रख के बोलिएगा, ये झूठ बोलेंगे तो गीता पर हाथ रख के बोलेंगे। अभी वाले तो कह रहे हैं कि बड़ा खेला होगा, बड़ा उलट फेर होगा। अरे ये सब का कुछ नहीं है, खेला कुछ ही होगा। मैंने क्या है, मैंने इनसे किसी को डर लगता है क्या? क्या है अमित शाह? अरे तड़ी पार है तो है, केंद्रीय गृह मंत्री है भाई, आप तड़ी पार। सहकारिता मंत्री है, गृह मंत्री ना हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते। 2021 के बाद रिपोर्टें नहीं जारी की है एनसीआरबी का, गृह मंत्री कैसे मान लेंगे? अच्छा बोला जा रहा है कि आप लोगों में बहुत खींचा तानी है, सीट शेयरिंग हुई है नहीं रहा है, नीतीश जी अपने में लगे आई आई, ये सब देखते हैं वर्कर हमारा है, कहाँ है खींचा तानी, एक है एक एक यूनाइटेड। ये तो आपके बुलाए हुए कार्यकर्ता हैं, और क्या बुलाए हुए, भाड़ा पर आया है क्या मेरा कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ता है, यही पूंजी हमारी है, यही पूंजी है, यही विरासत है हमारा। अरे बड़ी खेला करते आप लोग, आंकड़ों में खेला कर दिए, अब अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, तीर मार दिए। तब बोलिए ना कि गलत है, देश भर में करा दीजिए। तो रे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा गलत है, सम्राट चौधरी ने कहा गलत है, आंकड़ों के साथ। हर व्यक्ति को मैं चुनौती दे रहा हूँ, जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर गलत बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार से डरिए मत, कहो कि देश भर में जातिगत जनगणना कराए, क्यों नहीं कराती है? कुशवाहा ने कहा ना कि गोपनीय था जब, तो उनका डेटा आप लोगों के पास कैसे आया? Neta.com पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं लिखा हुआ, उनके परिवार का लोग का नहीं लिखा हुआ है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में नहीं लिखा हुआ है। हम उनका जाति बताए हैं क्या? हम उनका आमदनी बताए हैं क्या? तो सार्वजनिक डाटा पब्लिक डोमेन में जो है वो सब जानता है, उनके घर के आगे में नंबरिंग है नहीं जानते, पोचाड़ा करवा दिए क्या? पोचाड़ा करवा दिए नहीं, हम नहीं जानते। चलिए नीरज कुमार जी हैं, बेबाकी से बातों को रख रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, तमाम जो प्रवक्ता हैं उनके फेस पर आज मुस्कान दिख रही है। देखिए इस ओर भी आपको अभिषेक झा दिख रहे होंगे, अभिषेक झा जी से भी बात करेंगे। अभिषेक झा जी, सम्राट चौधरी ने दावा किया 2 साल जेडीयू खत्म। सम्राट चौधरी जी अपनी अंतिम राजनीतिक पारी भाजपा में खेल रहे हैं,
पिताजी का सपना पूरा करना है। उनके पिताजी श्रद्धेय शकुनी चौधरी जी ने कहा था, भागलपुर की धरती में नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, राजनीतिक रूप से नहीं, सचमुच गाड़ने चाहते थे वो। और सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील सम्राट चौधरी ही ठोकेंगे, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर देंगे। अरे हमने कहा ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समाप्त करने के लिए और उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए सम्राट चौधरी जी। देखिए जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है तो बिलो द बेल्ट जितने सारे उनके बात को अगर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रखा है तो अपने व्यक्तित्व को ही उन्होंने बदल लिया है। ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए सुबह से शाम तक नीतीश जी को वो टारगेट कर रहे हैं। खैर उससे कुछ मिलना है नहीं क्योंकि प्रदेश की जनता के दिल में बसते हैं नीतीश कुमार जी। और आप चाहे कितना भी गाली दीजिए या कुछ भी नेगेटिव बोलिए, अगर जनता के नज़र में नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ हैं, प्यारे हैं, तो फिर और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए जेडीयू के तमाम नेता साफ तौर पर कह रहे हैं नीतीश कुमार को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, सम्राट चौधरी टक्कर नहीं दे सकते। हमारे साथ छोटू जी हैं, इनसे भी तो पहले बात कर ही लेते हैं, सम्राट चौधरी के बयान को छोटू जी कैसे देखें। सम्राट चौधरी जी का कोई हैसियत नहीं है नीतीश कुमार जी के सामने, आपको मालूम होना चाहिए। अपना हैसियत से ही आदमी को बात करना चाहिए। नीतीश जी को देश का जनता दूसरा गांधी से तुलना कर रहा है और सम्राट जी जैसा तो कितना मंत्री मेरे यहाँ हैं और कितने कुशवाहा के नेता मेरे यहाँ हैं। सम्राट जी खाली प्रेस में या मीडिया में या नरेंद्र मोदी जी के यहाँ और अमित शाह के यहाँ अपना प्रचार प्रसार और पैर छूने के लिए बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। नीतीश कुमार के पैर के बराबर भी सम्राट चौधरी नहीं है, पैर के बराबर नहीं है। नीतीश कुमार देश का दूसरा गांधी और सम्राट चौधरी का ना दो में गिनती है और ना जीरो में गिनती है। सम्राट जी का नाम कौन जाना? पूरा बिहार नीतीश जी नहीं रहते तो सम्राट जी का नाम आप भी नहीं जानते। सम्राट जी का नाम जानने वाला और सम्राट जी को मान सम्मान देने वाला कोई अगर है तो इसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए साफ तौर पर कहते नजर आ रहा है सभी जो नेता हैं जेडीयू के वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आज सम्मान समारोह भी रखा गया है, जातीय आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ। कहीं ना कहीं एक बड़ा सौगात जेडीयू कह रही है कि जनता को मिला डेटा, आंकड़ा पता चल गया। सर सम्राट चौधरी का बयान और लगातार तीखे तेवर कहते नजर आ रहे हैं, दो साल में जेडीयू खत्म। अरे कहाँ नाम ले लिए, किसका नाम ले लिए, जिसका पैदाइश है नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार को कोई देश में दुनिया में चैलेंज करने वाला नहीं है, भाजपा का नरेंद्र मोदी नहीं चैलेंज कर सकते हैं, तो किसका नाम ले रहे हैं आप? कहीं आता पता है? अरे छोड़िए ना, हाफ पॉइंट में या फुल पॉइंट में कौन लंगटे घूमता था? ये पूरा बिहार पूरा देश देख रहा है। जो इतिहास रचने का काम नीतीश जी ने बिहार से कर दिया वो सातों जन्म में लोग से नहीं होगा। बिहार नहीं देश का दूसरा गांधी। सम्राट चौधरी ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, पिताजी का स्मारक बनाया, पत्नी का स्मारक बनाया, किनके जमीन? तो हमको लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है। उनको कहिए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में जा करके शिक्षा का ग्रहण करे। कौन बनाया नहीं बनाया उनको इतना ज्ञान नहीं है। नीतीश जी बनाए तो उनको कहिए जाके किसी विश्वविद्यालय में ज्ञानवर्धन करे, और नहीं तो शिक्षा का ग्रहण करना है तो हम लोग से आके शिक्षा ग्रहण करे। जो हाल सुशील मोदी जी का हुआ है ना, उससे भी बुरा हाल होगा सम्राट चौधरी जी का। दो साल में भाजपा समाप्त। आप बिहार से भाजपा का रोने वाला भी नहीं, नाम लेने वाला तो दूर, बैठ के आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं। ऐसे ऐसे लोग बड़ी संख्या में भाजपा का सांसद आ रहा है जदयू में मिलने, यहाँ पर आने के लिए बेताब है, यहाँ लाइन में लगा हुआ है। 2024 में पूर्व हो जाएगा बीजेपी का टोटल सांसद, आप नोट कर लीजिए। हम लोग जो बोलते हैं प्रधानमंत्री समाप्त है 2024 में, नामा निशान मिट जाएगा प्रधानमंत्री का। बाकी किसको? लाइव सिटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए कि कैलाश पर्वत पे ही अपना वही बना ले, पूजा पाठ करे। कोई दूसरे रास्ता नहीं है। जब उनको गद्दी मिला तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग, जितना लोग सब बेरोजगार हो गया, रोजगार के नाम पे आए और सबको बेरोजगार कर दिए। आने वाला 2024 में उनको और उनके पूरे मंत्रिमंडल को जनता भारत की बता देगी। और नरेंद्र नीतीश कुमार जी
2024 के लाल किला पे झंडा फहराएंगे। आप तो आपने सुना, देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं बीजेपी समाप्त हो जाएगी। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।